मालवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत आमला से शुभारंभ हुआ। जिले के सभी नगरीय क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में यह यात्रा पहुंचेगी। यात्रा जिले में सर्व सुविधा युक्त 4 IEC वैन शासन की योजना को प्रचारित करेगी। इन योजनाओं में वंचितों एवं अपेक्षितों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। अतिथियों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलनी है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की जो भी योजनाएं हैं उसमें सैचुरेशन का प्रयास है और हम लोगों ने पूरा इसके लिए तैयारी किया हुआ है। जो भी योजनाएं लगभग 18 योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की और 13 योजनाएं हैं शहरी क्षेत्र की, तो उन सभी में पूरा 100% प्रत्येक पंचायतवार गाड़ियाँ जाएंगी और वहाँ कैंप लगाकर इनका सैचुरेशन। मोदी जी जो है पूरे भारत का ख्याल कर रख रहे हैं और स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर बैठे थे। आज सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे थे ताकि जो लोग बाहर जाके हॉस्पिटल जाके चेकअप नहीं करा सके वो व्यवस्था है मोदी जी ने आज इन गाँव में और पंचायतों में जाके की है। मैं उन्हें मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आभार करता हूँ कि ऐसी योजनाएँ ऐसे प्लान हमेशा आते रहेंगे और भारत स्वस्थ भारत रहेगा और विकसित भारत बनेगा। जय हिंद। हमें कृषि विभाग से प्रधानमंत्री जी ने जो वो कृषि विभाग से अनुदान राशि लगभग 10,000 मूल्य की वो अनुदान में दी हमें, उसका सही उपयोग खेती में हो रहा है। चार्जिंग वाला पंप जो कम समय में ज़्यादा काम का उपयोग होता है, समय की बचत होती है।